Hi, my name is Mohammed Bilal Kashif and you're watching iExpert 360 Introduction to Computer Networks Day 17 Training Series. And today the topic of our training is Basic Cisco Switch Configuration. And the subtopics are Securing Cisco Switch Access, What is Telnet, SSH and why do we use it? What is the difference between Telnet and SSH? Concept of VLAN and trunks. And then we'll conclude this video presentation. So let's begin. Securing Cisco Switch Access. Network devices should be protected with a strong password so that no one can break into them. In most of the networking devices, protection is done by setting passwords on the following: console port, VTY lines, the virtual lines. In Cisco, there are two types of passwords. Password, this is visible in show run command and is not encrypted. Secret, this is not visible in clear text and is encrypted. We can even create user and a specified password for that user instead of just using a password to make it more secure. तो बेसिकली इस वीडियो प्रेजेंटेशन के अंदर हमारे पास दो सेक्शंस हैं. एक सिक्योरिटी के रिलेटेड है जिसके अंदर हम अपनी डिवाइसेस को सिक्योर करेंगे और अपनी डिवाइसेस को हम टेलनेट को हम देखेंगे कि टेलनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, एसएसएच क्या होता है और इन दोनों के अंदर कॉमन फीचर्स क्या हैं और इन दोनों के अंदर जहाँ पे एक लाइन आती है इसके डिफरेंस की वो कौन-कौन से पॉइंट्स हैं. और उसके बाद एक इसके अंदर पार्ट होगा जिसके अंदर हम स्विचिंग को डिस्कस करेंगे कि वीलैंस क्या होती हैं और ट्रंकिंग क्या चीज़ होती है और ये किस तरह से काम करती है. और अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ अ टेलनेट. टेलनेट इज़ अ प्रोटोकॉल दैट अलाउज यू टू कनेक्ट टू रिमोट कंप्यूटर्स कॉल्ड होस्ट ओवर अ TCP/IP नेटवर्क सच एज द इंटरनेट और लोकली विद इन द सेम नेटवर्क. Through Telnet, an administrator or another user can access the network switch router remotely without plugging the console cable. Telnet uses TCP port 23. Data is not encrypted in Telnet. What is SSH? SSH stands for Secure Shell. Unlike Telnet, the data is encrypted in SSH. SSH uses TCP port 22 for connection. Lab. Now we have to perform this lab on Cisco Packet Tracer and these are the objectives. In this lab we will set a password on console port con0. We will also create a local username and password which we will use to access the switch using Telnet. And after this we will configure Telnet on the switch. So let's begin this lab. सो यहाँ पे मैंने अपना पैकेट ट्रेसर ऑन कर लिया है. आज से पहले हम क्या करते थे कि हम सिंपली डिवाइस के ऊपर एक क्लिक करते थे और हम यहाँ से इसके CLI मोड के अंदर एंटर हो जाते थे. अब हम क्या करेंगे कि अब हम अपने लैपटॉप से इसको एक्सेस करेंगे वाया कंसोल केबल. सो कनेक्शंस एंड कंसोल केबल इज़ दिस ब्लू वन RS232 एंड इन टू द कंसोल पोर्ट. और एक हम इसको वायर लगाएंगे RJ45 की और यहाँ से हम इसको इंसर्ट कर देंगे फास्ट इथरनेट 0/1 में. तो यहाँ पे हमारे दोनों कनेक्शन स्टेबल हो चुके हैं. और बेसिकली हमने करना क्या है कि हमने सबसे पहले इनको IPs असाइन करने हैं अपने सिस्टम को भी और स्विच को भी और उसके बाद हमने इसकी कंसोल पोर्ट पे पासवर्ड लगाना है. उसके बाद हमने इसके अंदर टेलनेट को इनेबल करना है. तो इसके अंदर है 192.168, ये 192.168.10.0 का सबनेट है जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 10.10. और यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने वो उठा लिया और मेन टाइम पे मैं इसको 10.1 जो मेरे स्विच का IP मैं अभी दूंगा वो मैंने यहाँ पे दे दिया. अगर मैं ना भी दूँ तब भी टेलनेट भी काम करेगा
और कंसोल पोर्ट के ऊपर जो पासवर्ड होगा वो भी काम करेगा, क्योंकि ये L2 का स्विच है, ये मैक के ऊपर ऑपरेट कर रहा होता है, सिस्टम के मैक एड्रेस के ऊपर, आईपीस के ऊपर ऑपरेट नहीं करता ये। यहाँ पे मैंने अपना इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर लिया और ये है, हम आ गए हैं स्विच के अंदर। अभी जब हम देखते हैं तो अभी हमने इसको एक्सेस करना है अपने सिस्टम के थ्रू, यहाँ पे गए और यहाँ से हम टर्मिनल के ऊपर गए, बाउड रेट 9600, आपने इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने ओके कर देना है। तो यहाँ अब हमने स्विच को एक्सेस कर लिया हुआ है और इस टाइम मैं स्विच के अंदर सीएलआई मोड के अंदर हूँ, और अभी हमारे कंसोल के ऊपर कोई पासवर्ड नहीं है। तो सबसे पहले हम कंसोल के ऊपर पासवर्ड लगाते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्फिग टी लाइन, और जब मैं करता हूँ क्वेश्चन मार्क तो मुझे वो ऑप्शंस दे रहा है कंसोल की, कंसोल, और चूंकि हर राउटर में एक ही पोर्ट होती है तो हमने कर दिया 0, ठीक है। और हमने इस पर कर दिया पासवर्ड, पासवर्ड मैं इस पर लगाऊंगा बाय डिफॉल्ट सिस्को, और उसके बाद हमने यहाँ पे करना है लॉगिन, ठीक है। तो अगर अब मैं इसको एक्सेस करता हूँ तो अब ये मेरे से पासवर्ड पूछेगा, तो यहाँ पे मैंने इसको एग्ज़िट किया और यहाँ पे मैं इसको एक दफ़ा और एग्ज़िट करूँगा, तो अब जब मैं यहाँ पे जाऊँ करता हूँ तो अब वो मेरे से पासवर्ड पूछ रहा है। हुआ क्या कि हमारी डिवाइस सिक्योर हो गई, कि अगर कोई और बंदा हमारे ऑफिस में एंटर होता है हमारे स्विच के साथ कंसोल केबल लगाता है तो उसको पासवर्ड देना पड़ेगा, वरना वो हमारे डिवाइस के साथ कोई भी चीज़ ना चेंज कर सकता है ना उस हमारी उस डिवाइस को रीसेट कर सकता है। तो अब मैं यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ CISCO सिस्को, लेकिन अभी भी जो है वो हमें मज़ीद सिक्योरिटी और चाहिए होगी, तो चूंकि मैं इनेबल लिखता हूँ तो अब मैं डायरेक्टली अपने इस प्रिविलेज मोड के अंदर एंटर हो जाता हूँ। तो हमने इस मोड को भी अपने सिक्योर करना है, हमने कंसोल मोड को तो सिक्योर कर लिया, अब हमने इनेबल करना है। अभी हम सबसे पहले इसके अंदर आईपी एड्रेस देंगे अपने स्विच को, कॉन्फिग टी इंटरफेस VLAN 1 आईपी एड्रेस 192.168.10.1 255.255.255.0, और हमने यहाँ पे कर दिया नो शट, और अब हमने कर दिया एग्जिट। अब अगर हम अपने इस सिस्टम से इसको पिंग करके देखें तो ये हमारे पास स्विच पिंग भी होगा, कमांड प्रॉम्प्ट पिंग 192.168.10.1। ठीक है, हमारे पास कनेक्शन स्टेबल हो गया और हम अपने स्विच के आईपी को पिंग कर पा रहे हैं। इस टोपोलॉजी को इस तरह से एक्सेस करना और स्विच को वाया लैपटॉप एक्सेस करने का एक ऑब्जेक्टिव ये है कि रियल लाइफ में जो है वो हम स्विच को या किसी भी इस डिवाइस को क्लिक करके ओपन नहीं करते, हम एक लैपटॉप के साथ वायर के मीडियम के थ्रू इससे इंटरेक्ट करते हैं अपनी इन डिवाइसेस के साथ। तो आपको थोड़ा सा उसका भी इन टच इसको देना है कि आप लोग रियल लाइफ में इस तरह से इंटरेक्शन कर सकें। तो अब हम जाएंगे दोबारा से अपने स्विच के अंदर और अब हम इनेबल करेंगे टेलनेट को। तो टेलनेट को इनेबल करने के लिए जो हमारे पास ऑप्शंस होती हैं कि सबसे पहले हमें इसके प्रिविलेज मोड को सिक्योर करना पड़ता है। तो अब हम इसको सिक्योर करेंगे, हम एक यूज़र नेम बनाएंगे और एक पासवर्ड बनाएंगे, उसके बाद हम टेलनेट को करेंगे इनेबल। तो सबसे पहले हम कॉन्फिग टी, और अब हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़र नेम, यूज़र नेम मैं यूज़ कर रहा हूँ एडमिन, और इसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ IE360@, और मैंने कर दिया एंटर। तो ये मेरा एक यूज़र नेम बन गया जिसके स्पेसिफिकली जिसका पासवर्ड है IE360@। अब हम इसके अंदर इनेबल करते हैं टेलनेट को, तो उसी तरह से हम जाएंगे लाइन और क्वेश्चन मार्क देंगे, तो ये हमारे पास ऑप्शन आ रही है VTY,
VTY होता है virtual lines, VTY, और हमने किया 0 के simultaneously कितने connections इसपे आते हैं, तो हमने किया 0 to 15 के 15 का connection simultaneously एक time पे इसको telnet कर सकते हैं. line VTY 0 से 15 ये specify कर रहा है कि कितने simultaneous telnet के connections इस switch में आ सकते हैं. हमने किया enter, ठीक है. और अब इसके अंदर हमने करना है, अगर मैं यहाँ पे question mark देता हूँ तो मेरे पास बहुत सारी commands की option आ गई यहाँ पे, ठीक है. हम यहाँ पे करेंगे transport input question mark करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है all none SSH telnet. अभी हम कर लेते हैं इसको telnet. अच्छा अब हमने एक बनाया था, इसमें से हमने एक यूज़र इसमें बनाया लोकल यूज़र एडमिन, और जिसका पासवर्ड हमने रखा है IE360@@. तो हम यहाँ पे कमांड देंगे लॉगिन लोकल, ठीक है. ये हमने यहाँ पे कमांड दे दी, लेकिन अभी तक हमने अपने प्रिविलेज मोड को सिक्योर नहीं किया, ठीक है. तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे इनेबल. अब इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पासवर्ड जो कि शो रन के अंदर हमें हम देख सकते हैं उसको, और एक होता है सीक्रेट. तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा सीक्रेट, इनेबल सीक्रेट, और यहाँ पे अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ. अब मैं यहाँ पे इसको देता हूँ पासवर्ड, लेट्स सपोज मैं इसको सिस्को दे देता हूँ, और मैं एग्जिट करता हूँ. और अब हम देखते हैं कि हमने अभी तक क्या कॉन्फ़िगरेशन की हैं इसके अंदर. शो रन, तो ये देखिए हमने इनेबल सीक्रेट किया हुआ है. ये एक सिस्को वर्ड है जो कि इसने MD5 के इनक्रिप्शन को यूज़ करते हुए यहाँ पे उसने उसको इनक्रिप्ट कर दिया. और ये हमारा यहाँ पे लोकल यूज़र है जिसका यूज़र नेम एडमिन है, और इसका पासवर्ड है IE360@@. और हमने इसके अलावा क्या किया है, हमने VLAN 1 को IP दे दिया हमने, और हमने कंसोल के ऊपर पासवर्ड सेट कर दिया SSCO, और हमने VTY लाइंस जो वर्चुअल लाइंस होती हैं उस पर हमने टेलनेट भी सेट कर दिया. तो अब हम ज़रा इस चीज़ को चेक करते हैं, फिर मैं आपको सिग्निफिकेंस इसके बताता हूँ कि हम टेलनेट को बेसिकली हम इस्तेमाल क्यों करते हैं और क्यों हमें करना चाहिए इसका इस्तेमाल. हम जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, यहाँ पर हम लिखते हैं टेलनेट 192.168.10.1. जब हम एंटर करते हैं तो वो हमसे पूछ रहा है कि जी ट्राइंग टू ओपन, यूज़र नेम दो यहाँ पे अपना, ठीक है. यूज़र नेम क्या था हमारा, एडमिन. पासवर्ड क्या था, IE360@@. कहता जी ठीक है आप स्विच के अंदर आ गए हो, अब हम करते हैं इनेबल. अब कह रहे जी फिर पासवर्ड दो. ये पासवर्ड वो है जो हमने प्रिविलेज मोड के लिए सेट किया था जो कि सिस्को है, CISCO. ओके जी ठीक है. तो यहाँ तक हमने टेलनेट को कॉन्फ़िगर कर दिया, और हमारा टेलनेट इस टाइम पे बिल्कुल स्मूथली चल रहा है. हम वाया आईपी रेस स्विच को एक्सेस कर सकते हैं. अब हमें कंसोल केबल लगा के स्विच को एक्सेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो बेसिकली होता क्या है कि रियल लाइफ के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जब भी कोई स्विचेस होते हैं तो ये किसी न किसी नेटवर्क कैबिनेट्स या नेटवर्क रैक्स के अंदर होते हैं. तो लेट्स सपोज आप एक एग्जांपल इसकी ले लें इस तरह से कि यहाँ पे हमारे पास स्विचेस हैं जो कि दीवार के ऊपर या कहीं पे भी हमारे पास एक सिक्योर किसी कैबिन के अंदर हैं, और यहाँ से सिर्फ वायर्स हमारे टेबल के ऊपर आ रही हैं. तो अगर हमने कोई आईपी चेंज करना है, कोई यूज़र बनाना है हमने, या हमने कोई भी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है, कुछ भी करना है, तो क्या हम हर दफ़ा अपना लैपटॉप या हर दफ़ा अपना सिस्टम लेके जाएंगे वहाँ पे, और वहाँ पे पीछे कंसोल लगाएंगे और काम करेंगे? ऐसा नहीं होता. होता क्या है कि ये प्रोटोकॉल्स को हम इस्तेमाल करते हैं और आईपी के थ्रू हम अपनी इन डिवाइसेस को एक्सेस करते हैं, ताकि हमें बार बार अपने स्विच की तरफ जाना ना पड़े, बल्कि हम अपनी सीट के पर बैठे हुए अपने सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए और इन प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हुए हम अपनी इन डिवाइसेस को एक्सेस करें, और जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो हम कॉन्फ़िगरेशन इनके अंदर कर सकें वाया आईपी एड्रेस.
तो बेसिकली ये हमारे पास कमांड्स हैं जो हमने अभी अप्लाई किए हैं इसके अंदर, जिसमें हमारे पास इनेबल, फिर कॉन्फ़िग टी, फिर हमने सबसे पहले अपने कंसोल को सिक्योर किया और फिर ये आप पासवर्ड लगाते हैं कि इसका डेमो पासवर्ड यहाँ पे लगाया हुआ है, फिर हमने लॉगिन किया कि इस पासवर्ड को आपने चेक कहाँ पे करना है लॉगिन के टाइम, ठीक है। उसके बाद हमने इनेबल जो किया था यहाँ पे टेलनेट, उसके लिए हमने पासवर्ड सेट किया था सबसे पहले। इसके लिए आप कॉन्फ़िग टी के अंदर आके आप कमांड लिखते हैं इनेबल, यहाँ पे आप पासवर्ड या सीक्रेट कर सकते हैं और आगे जो भी आपका वर्ड कोई सा भी आपके पास पासवर्ड हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपने एक लोकल इसका यूज़र बनाना है, उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया कि आपने कॉन्फ़िग टी के अंदर कॉन्फ़िगर टर्मिनल के बाद आपने लिखना है यूज़र नेम, पासवर्ड और आगे वर्ड जो भी आप इसका पासवर्ड रखना चाह रहे हैं, और फिर आप इसको यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कमांड्स हैं जो कि स्विच को सिक्योर करेंगी कंसोल से और उस स्विच के अंदर टेलनेट को करेंगी इनेबल। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है अब वो है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल लैन। अ वर्चुअल लैन VLAN इज एनी ब्रॉडकास्ट डोमेन डेट इज़ पार्टीशनड एंड आइसोलेटेड इन अ कंप्यूटर नेटवर्क एट द डेटा लिंक लेयर OSI लेयर 2। LAN is an abbreviation of local area network, and in this context, virtual refers to a physical object recreated and altered by additional logic. VLAN work by applying tags to network frames and handling these tags in networking systems, creating the appearance and functionality of network traffic that is physically on a single network but acts as if it is split between separate networks. In this way, VLANs can keep network applications separate despite being connected to the same physical network and without requiring multiple sets of cabling and networking devices to be deployed. अब VLANs basically क्या है? VLANs कोई physical port नहीं है, ये हमारी ports को virtually divide कर देती हैं छोटे छोटे segments के अंदर। Next हम एक diagram देखते हैं उसमें मैं आपको explain करता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक स्विच लगा हुआ है और ये हमारे पास सेल्स का डिपार्टमेंट है और ये हमारे पास अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है। अब एक ही स्विच है लेकिन एक स्विच यहाँ पे IP 192.168.10.0 का दे रहा है और यहाँ पे IP 192.168.20.0 का दे रहा है। तो हुआ क्या कि हमने अपने हार्डवेयर की कॉस्ट बचा ली, हम एक ही स्विच से मल्टीपल नेटवर्क्स की सर्विसेज ले सकते हैं और इससे हुआ क्या कि ये जो सिस्टम्स होंगे ये अपनी एक ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर सिर्फ सेंड करेंगे मैसेज और ये जो है अपनी जो पोर्ट्स होंगी एसोसिएट इस VLAN 20 के साथ सिर्फ उन तक इनका मैसेज जाएगा। वरना अगर हम इनको एक ही फीचर सेट में रखते हैं और अगर हम IP एक रखते हैं तो अगर इसने इससे बात करनी होगी तो बाकी अगर 24 पोर्ट का स्विच है तो 23 पोर्ट्स के ऊपर ब्रॉडकास्ट होगी और फिर मैसेज इसके पास जाएगा। इस तरह क्या हुआ कि जितने हमें पीसीज यहाँ पे चाहिए होंगे हम सिर्फ उतनी पोर्ट्स देंगे, जो मैसेज होगा ब्रॉडकास्ट हमारी कम हो जाएगी इससे, और इस तरह से है कि इसके अंदर सिक्योरिटी हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि ये सिस्टम जो है इसका डाटा स्टील नहीं कर सकता और देख भी नहीं सकता और ये सिस्टम इसका डाटा ना देख सकता है ना इसके पैकेट्स को कैच कर सकता है। तो इस तरह से ये काम जो है हम VLANs के थ्रू हम ले सकते हैं और ऐसा नहीं है कि ये दोनों आपस में बात नहीं कर सकते। अगर हम चाहें तो ये PC किसी और IP पे बैठ के इसको पिंग कर सकता है और ये PC किसी और IP के पे बैठ के यहाँ पे पिंग कर सकता है। उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है ट्रंकिंग का और राउटर ऑन अ स्टिक का और इंटर VLANs का, तो वो हम जो इसके बाद वाली सी वीडियो होगी उसके अंदर हम उस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे ताकि वो चीज़ भी आपको अंडरस्टैंडिंग के अंदर आ जाए। अब हम बात करते हैं ट्रंक्स की। तो ट्रंक्स बेसिकली क्या होते हैं? ट्रंक इज़ अ कम्युनिकेशन लाइन और लिंक डिज़ाइन टू कैरी मल्टीपल सिग्नल साइमल्टेनियसली टू प्रोवाइड नेटवर्क एक्सेस बिटवीन टू पॉइंट्स। ट्रंक टिपिकली कनेक्ट स्विचिंग सेंटर्स in a communication system. The signals can convey any type of communication data. Data networks use two type of trunks. First trunk can carry data from multiple local area networks, LANs or virtual LANs.
across a single interconnect between switches or routers called a trunk port. Second trunks can bond or aggregate multiple physical links to carry a single higher capacity, more reliable logical link, which is called port trunking. A trunk port marks frame with specific identifying tags defined by IEEE standards 802.1Q for VLAN tags. For Ethernet frames, as they pass between switches, so each frame can be routed to its intended VLAN at the other end of the trunk link. Using trunk port trunking to aggregate links is defined by IEEE standards as well by various vendor proprietary methods. So basically iske andar hota kya hai ki let's suppose hamare paas ek ye switch hai jiske andar ye kuch ports hain 1 2 3 aur ye hamare paas aur 3 ports hain aur yahan pe hamare paas ek port hai. Let's suppose ye hamare paas chal rahi hai VLAN 10 ki ports hain ye, let's suppose, theek hai, aur ye wali jo hamare paas ports hain, let's suppose ye hain VLAN 20 ki aur ye hamare paas ek trunk port hai TRUNK, ye hamare paas trunk port hai. अब होता क्या है कि ट्रंक पोर्ट के अंदर VLAN 10 और VLAN 20 दोनों का डाटा आईपी एड्रेसेस सिमल्टेनियसली पास हो रहे होते हैं. अगर हमारे पास एक स्विच यहां पे है और एक स्विच नीचे है जिसके अंदर सेम है कि उसके अंदर दो पोर्ट्स हैं समझें, और यहां पे भी दो पोर्ट्स हैं और यहां पे एक पोर्ट है, ठीक है, ये VLAN 10 की मेंबर है, इसको मैं पॉइंट कर देता हूं यहां पे, और ये VLAN 20 की मेंबर है, इसको मैं पॉइंट करता हूं यहां पे, ठीक है. अब होगा कि अगर हम इन दोनों स्विचेस को हमने लिंक करना होगा कि इनके अंदर भी VLANs हमें इसको बनानी पड़ेगी और इसमें भी इसके VLANs हैं ऑलरेडी, तो ये दोनों जो पोर्ट्स होंगी इसके एक-एक स्विच की पोर्ट हमें बनानी पड़ेगी ट्रंक. उससे होगा क्या कि ट्रंक के अंदर चूंकि हर डाटा हर VLAN का डाटा साइमल्टेनियसली पास आउट हो रहा है, जब ये ट्रंक लिंक बन जाएगा इनका, तो यहां पे इस ट्रंक का जो डाटा रिसीव होगा वो सिर्फ उसी VLANs को जाएगा जिससे वो बिलोंग करता है. यानी कि अगर इसके अंदर 10 ने किसी को पिंग किया तो 10 का डाटा सिर्फ 10 की पोर्ट्स को जाएगा, 20 का डाटा तो वो सिर्फ 20 की पोर्ट्स को जाएगा. तो ट्रंकिंग बेसिकली ये करती है कि साइमल्टेनियसली सिग्नल्स को लेके जा रही होती है, वो सेंड और रिसीव हो रहे होते सिग्नल्स और मल्टीपल VLANs का डाटा साइमल्टेनियसली जा रहा होता है उसके ऊपर. So this brings us to the conclusion of this video. इसमें हमने देखा कि किस तरह से हम अपने स्विच को सिक्योर कर सकते हैं उसकी कंसोल के ऊपर पासवर्ड लगा के. फिर हमने देखा कि टेलनेट क्या है, और फिर हमने यह देखा कि SSH क्या होता है, और फिर हमने यह देखा कि टेलनेट और SSH के अंदर डिफरेंस क्या होता है, कि टेलनेट की ट्रैफिक जो है वो इंक्रिप्शन नहीं उसके ऊपर होती, जबकि SSH जो है उसकी ट्रैफिक एन्क्रिप्ट होती है. और फिर हमने briefly VLANs और trunking के जो concepts हैं उनको हमने देखा. So upcoming topics are router on a stick. इसके अंदर हमारे पास दो topics होंगे, हम switches के अंदर बनाएंगे VLANs और अपना जो router होगा router के अंदर हम बनाएंगे sub interfaces, और layer 2 के हमारे पास switches होंगे, और इसके अंदर हम router के अंदर और switch के अंदर configuration करेंगे और आपस में हम different VLANs को आपस में ping करके check करेंगे on a layer 2 switch. So stay tuned and I'll see you in the next lecture. Thanks a lot for watching. If you like this video, subscribe our channel, like our video, post your valuable comments. You can contact me at my Facebook, my WhatsApp, my email address, on my YouTube channel by posting your valuable comments, and on my Skype. So thanks a lot for watching. Stay tuned.